कल के दिन रतन पावर में एक अच्छा हम लोग को मूव देखने मिला, लेकिन आज के दिन स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन स्टिल स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम में क्लोज किया। स्टॉक में क्लोजिंग है 10 रुपये 80 पैसे के पास। यहाँ से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रतन पावर स्टॉक को लेकर, बात करते हैं। नीचे की तरफ स्टॉक में सपोर्ट है 10 रुपये का लेवल, जो कि एक राउंड लेवल भी है, साथ में साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो जब तक रतन पावर 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे स्टॉक 10 रुपये के नीचे निकलेगा, क्योंकि इससे पहले स्टॉक देखा जाए तो ऑलमोस्ट हम लोग को 2-3 बार ट्राई कर चुका है हम लोग को स्टॉक 10 रुपये के नीचे निकलने का, लेकिन हर टाइम स्टॉक में ऊपर की तरफ एक अच्छा हम लोग को बाउंस बैक देखने मिलेगा। स्टॉक फिर से 4 टाइम ट्राई करता है 10 रुपये के नीचे निकलने का, स्टॉक इस बार 8 से लेकर इवन 5 रुपीज़ तक का भी फॉल दिखा सकता है, जो कि बड़ा गिरावट होता है। इसलिए स्टॉप लॉस आप सबका होगा जो कि अराउंड 9 रुपये 80 पैसे के आसपास होना चाहिए। ऊपर की तरफ टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 11 रुपये के ऊपर। जैसे कभी भी डेली चार्ट पे 11 रुपये के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होता है, अराउंड 2 से 3 दिन तक मिनिमम स्टॉक ट्राई करते हैं 11 रुपये के ऊपर ट्रेड करने का, तो स्टॉक में कुछ इस तरीके का मोमेंटम लोगों को फिर से ऊपर की तरफ कैरी ऑन होते हुए देख सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म से स्टॉक में टारगेट देखने मिल सकता है 15 रुपये तक का, और लॉन्ग टर्म हिसाब से स्टॉक हम लोग को 20 से लेकर इवन 25 रुपीज़ तक का भी टारगेट दिखा सकता है। तो कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है रतन पावर में तो 11 रुपये का ब्रेकआउट का वेट करें, किसी ने ऑलरेडी बाय कर रखा है तो स्टॉप लॉस आएंगे 10 रुपीज़ के आसपास। तब तक के लिए इतना इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।